बहुत पसंद है लिसी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज सैटरडे है और हम लोग जा रहे हैं डाउनटाउन, तो मैं आप लोगों को भी लेके चलती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी वीकेंड बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, राइट गोविंद एंजॉयिंग। तो चलो आज देखते हैं कि डाउनटाउन में क्या फन करने वाले हैं। तो अब हम लोग निकल रहे हैं हमारे अपार्टमेंट से और आज हम लोग मेरे हस्बैंड के ऑफिस के फ्रेंड्स के साथ जाने वाले हैं। तो बहुत ही मज़ा आया था सब लोगों के साथ, ऐसा लग रहा था कि हम लोग एक मिनी ट्रिप पे आए हैं और सभी लोग हमसे छोटे थे, लाइक मुझे दीदी दीदी करके बोल रहे थे। तो बहुत ही अपनापन और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और उन्हें जब मैंने अपने YouTube चैनल के बारे में बताया तो वो लोग बहुत एक्साइटेड हो गए और बोलने लगे कि हमारी क्लिप्स भी YouTube वीडियो में अपनी ज़रूर ऐड करिएगा। तो दो लोग तो साथ में ही थे कार में और एक अभी हम लोगों को डाउनटाउन में ही मिलेंगे। तो आज हमें डाउनटाउन पहुंचते 45 मिनट्स लगा। बीच बीच में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन थी थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा था वहाँ पर। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी कार को पार्क करने के लिए और कार पार्क करने के बाद हम लोग करने वाले हैं आज आर्किटेक्चरल टूर। और उसके लिए पहले से ही बुकिंग करा रखी थी हमने, तो बस अभी टाइम हो चुका है हमारे टूर का, 12:15 बजे का टूर था। और देखिए पानी कितना सुंदर लग रहा है, सन की रिफ्लेक्शन जब इस पे पड़ रही है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो अभी हम भी यहाँ पे जाने वाले हैं टूर करने और गोविंद भी सबके साथ बहुत अच्छे से मिंगल अप हो गया था, सबको बहुत अच्छे से हाय हेलो कर रहा था, बहुत इंजॉय किया उसने भी। और देखिए ये क्रूज़ है जिसपे हम लोग अभी जाने वाले हैं, बस लाइन में ही वेट कर रहे थे और अब हमारा टर्न आ गया है। आज का वेदर भी बहुत अच्छा था, सनी था तो थोड़ा सा गर्म था बट काफ़ी कंड्यूसिव था ये सब टूर वगैरह करने के लिए। और कहते हैं कि विंटर्स में तो पूरी मिशिगन लेक जम जाती है, तो कुछ भी ये सब टूर वगैरह नहीं होते। और टूर करते टाइम हमने बहुत ही डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग्स देखी और हमारी टूर गाइड ने सब बिल्डिंग्स के बारे में हमें बताया, उनके आर्किटेक्ट के बारे में बताया। तो देखिए ये कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी, इन्हें सिटी इन सिटी भी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर ही आपको रेस्टोरेंट्स, बॉलिंग एले सब कुछ मिलता है। और वहाँ पे कुछ ओल्ड स्टाइल बिल्डिंग्स थी और कुछ न्यू बिल्डिंग्स थी, तो देख के बहुत अच्छा लगा। और कुछ ग्लास बिल्डिंग्स थी जिन पे रिफ्लेक्शन जब आ रही थी दूसरी बिल्डिंग्स की ड्यू टू सन, वो देखने में बहुत अच्छा लगा हमें। आई वुड से ये आर्किटेक्चरल टूर एक बार तो जरूर करना बनता है, काफी मेस्मराइजिंग टूर था। और ये देखिए ये फेमस विलिस टावर है, काफी फेमस बिल्डिंग है ये शिकागो की। और ये है फेरिस व्हील, यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी जा चुके हैं जब हम शिकागो आए थे मार्च में मेरे हस्बैंड के इंटरव्यू के लिए, तब हम लोग डाउनटाउन में सिर्फ फेरिस व्हील देखने के लिए आए थे, तो हमने इसका राउंड कर लिया है। और ये थोड़ी सी फ़ोटोज़ थी जो हमने ली थी, ये हमारी ग्रुप फ़ोटो है। बस अभी हमारा टूर ख़त्म हो गया है और अब हम लोग कुछ खाने जाने वाले हैं क्योंकि काफ़ी भूख लग गई है, लंच टाइम हो गया है। तो हम लोग आए हैं जॉर्डानोज़, यहाँ का पिज्ज़ा कहते हैं कि फेमस है। और देखने के बाद मुझे लग गया था कि क्यों इसे इतना फेमस बोला जाता है, कुछ डिफरेंट स्टाइल का पिज्ज़ा था और इसकी काफ़ी ज़्यादा थिकनेस थी। देखिए इसमें इतनी ज़्यादा स्टफिंग थी कि मज़ा ही आ गया खाकर। और उसके बाद हम लोग मिलेनियम पार्क आए हैं और मिलेनियम पार्क का ये स्टार अट्रैक्शन है द बीन और क्लाउड जिसे हम कहते हैं। तो इसको आपको अगर पता हो तो एक इंडियन बॉर्न ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने बनाया था जिनका नाम है अनीश कपूर, जस्ट टू शो द रिफ्लेक्शन ऑफ टॉल बिल्डिंग्स। ये पूरा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो हमने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ली यहाँ पर। और उसके बाद हम वहीं पर एक बहुत बड़ा फाउंटेन था वहाँ आ गए हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फैमिलीज़ इंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे पता था इस फाउंटेन के बारे में और पता था कि हम लोग भी जाएंगे, तो मैं गोविंद के लिए एक चेंज ऑफ क्लोथ्स लेकर आई हूँ घर से। तो मैंने उसे लेट किया कि वो अच्छे से प्ले कर ले, खूब इंजॉय कर ले। दो वो इतना ज़्यादा टायर्ड था अभी तक, बट बस पानी देख के तो उसको बहुत मज़ा आ जाता है, तो वो अभी वो सब इंजॉय कर रहे हैं। और वो अपने कम्युनिटी वाले फ्रेंड्स को वहाँ ढूंढ रहा था, बोल रहा था मम्मा ध्वनित कहाँ है, मम्मा अक्षत कहाँ है। एंड आई सेड बेटा यहाँ पे आप अकेले आए हो, आपके कम्युनिटी फ्रेंड्स नहीं आए हैं।
तो बस इंजॉय वगैरह कर लिया फाउंटेन में, गोविंद को चेंज कर दिया और अब हम लोग निकलेंगे वापस। आफ्टरनून का टाइम है तो बस अभी हम लोग घर की तरफ ही जा रहे हैं, और घर जाके मैं आपको सामान दिखाऊंगी जो मुझे इटेक्सिटी ने पीआर पैकेज में भेजा था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एयर मैट्रेस दिखाया था एंड आप लोगों को काफ़ी यूज़फुल लगा था वो, तो उन्होंने मुझे कुछ और प्रोडक्ट्स भी भेजे थे। ये है फिटनेस स्केल, स्मार्ट फिटनेस स्केल है एंड इट कम्स इन दिस पैकेजिंग। सबसे पहले इसका एक पैम्पलेट आता है जिसमें लिखा हुआ है कि यू कैन ज्वाइन द फैमिली टू गेन एक्स्ट्रा 1 ईयर वारंटी। द डिफॉल्ट वारंटी ऑन द फिटनेस स्केल इज़ 1 ईयर, सो यू कैन एक्सटेंड इट बाई 1 ईयर बाई बिकमिंग देयर फैमिली मेम्बर। सो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दिस पैम्पलेट टू नो हाउ यू कैन बिकम द फैमिली ऑफ इटेक्सिटी। एंड देन इट कम्स विद दिस यूज़र मैनुअल। दो इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही ईजी है, बट आई वुड से कभी भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेते हैं तो उसका यूज़र मैनुअल ज़रूर पढ़ लें टू नो ऑल द फंक्शंस एंड ऑल द फंक्शनैलिटीज़ दैट यू कैन गेन आउट ऑफ योर प्रोडक्ट। सो अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये फिटनेस स्केल काफ़ी स्मार्ट फिटनेस स्केल है। यू कैन कनेक्ट दिस टू योर मोबाइल फ़ोन एज वेल थ्रू दिस वी सिंक ऐप विच यू कैन डाउनलोड ऑन योर फ़ोन, वेदर इट्स एन एंड्रॉयड और iOS फोन। You can download this app and then you can connect the scale through Bluetooth. Whenever you are weighing, whenever you are standing on the scale, just turn on the Bluetooth of your mobile device and on the app you will be able to see all the other health parameters like BMI, body fat and all that stuff. And the best part of this scale is that it gets connected to other applications and other things as well. The best part is it gets connected to Fitbit also, jo aajkal kafi star hai aur kafi log aajkal use kar rahe hain Fitbit. To dekhiye main aapko actual scale dikhati hu ab. It comes in this white glass body which looks very classy and it is having a digital display on which your weight will be displayed whenever you will stand on it. And the body is so beautiful that I am loving it. और अभी मैं आपको इसका बैक साइड दिखाती हूँ। It comes with this anti-slip pads. So whenever you place it on the surface, it won't slip whenever you step on it. So that's a good point. And to operate this device, you will need 4 AAA batteries. This is a battery compartment. All the links for the products will be down there in the description box, so please check out the description box. And the last third product that they sent me is this laser thermometer. This is a smart thermometer, I would say. It works on infrared technology. It comes with this digital screen. It is a gun-like thermometer and there is a knob which you just have to press to measure the temperature of the surface you are looking for. Like if I want to measure my body temperature, I just have to hold like 30 to 35 centimeters away from my body and it will measure temperature. And the best part of this is that it measures temperature both in degree Celsius and Fahrenheit. So this thermometer comes really handy if you have kids at home, because whenever they are sick, they won't let you put thermometer under their arm or in their mouth or on their forehead. So you just can use this thermometer to measure their temperature without even touching them. And since it's a gun-like structure, sometimes my son likes to play with it also. Again, it comes with a battery which you can replace if it gets weak. So link for this is also there in the description box. And the best part is Itexity provided me an off code for my subscribers for the air mattress. So don't forget to check out that in the description box as well. So now on to my dinner. आज मैं dinner में just leftover का makeover कर रही हूँ. मैंने कल रात को छोले बनाए थे जो बच गए थे, तो बस अभी मैंने उसमें थोड़ा सा घी डालकर थोड़ा सा अजवाइन का तड़का लगाया है, क्योंकि छोले थोड़े से हार्श होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं डाइजेस्ट करने में, इसीलिए उनको थोड़ा सा गर्म करके अगर आप खाएंगे तो ठीक रहेगा. वैसे मैं ट्राई करती हूँ कि छोले इतने बनाऊँ कि नेक्स्ट डे लंच तक ही चलें, बट आज हम लोग बाहर चले गए थे तो आई हैव लेफ्ट इट ओवर ड्यूरिंग द डिनर टाइम एज वेल. और मैंने साथ ही साथ अपनी रोटी भी बना ली है और जो थोड़ा सा चावल बचा हुआ था उसमें भी हींग जीरे का तड़का लगा लिया है जस्ट टू गिव इट अ न्यू फ्लेवर.
तो बस आज का डिनर यही था, और डिनर के बाद अभी मैं फटाफट से अपने जो भी बर्तन हैं वो क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि बर्तन सिंक में पड़े रहें अगले दिन तक, और फिर सिंक बहुत गंदा हो जाता है अगर आपके गंदे बर्तन सिंक में पड़े रहते हैं तो। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि डिश वॉशर यूज़ करो, बट फ्रेंड्स अभी तक मैंने डिश वॉशर यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है। मुझे डिश वॉशर यूज़ करना थोड़ा सा अभी हेडेक लगता है कि सारा दिन आप उसमें बर्तन लोड करते रहो। आई प्रेफर क्लीनिंग डिशेज बाय माई ओन हैंड्स, देर एंड देन मैं क्लीन कर लेती हूँ, लाइक ब्रेकफास्ट के टाइम पे, लंच के टाइम पे, और डिनर के टाइम पे। तो बस अभी मैं थोड़े से एलमंड्स और वॉलनट्स सोक कर रही हूँ, और ये मेरा लास्ट ही काम था किचन का। और गोविंद सो गया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था, एंड नाउ मी एंड माई हस्बैंड विल वॉच सम मूवी। आप मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में ये कौन सी मूवी है अगर आपने देखी हुई है तो। तो बस आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर से मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड बिकम द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू, बाय।